गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू टी एस इन द स्कूल। माई सेल्फ स्वाति महावर। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 6 इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। द नेम ऑफ द टॉपिक इज रेवेन्यू। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। रेवेन्यू का थर्ड पार्ट है ये। दो पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं रेवेन्यू से। नाउ सी, कैन एम आर बी जीरो और नेगेटिव। आवर टुडेज टॉपिक इज कैन एम आर बी जीरो और नेगेटिव। इससे पहले वाला जो सेकंड वाला वीडियो हमने देखा था, उसमें हमने ये वाली कंडीशन देखी थी कि एम आर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एम आर कांस्टेंट होता है, क्यों होता है? क्योंकि ए आर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। व्हेन ए आर कांस्टेंट देन एम आर आल्सो भी कांस्टेंट। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि एम आर जीरो या नेगेटिव भी हो सकता है, तो हो सकता है ये। यस इट इज पॉसिबल। सी हाउ, स्केड्यूल देखते हैं हम। सबसे पहले तो इसका ए आर क्या है हमारा, एवरेज रेवेन्यू। ओ क्या है, आउटपुट। टी आर क्या है, टोटल रेवेन्यू। और एम आर क्या है हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इसी के बिहाफ पे मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है। यहाँ पर देखो, ए आर जो है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। ठीक है, 100 हुआ, 100 से डिक्लाइन होके कितना हो गया 80, फिर डिक्लाइन होके कितना हो गया 40, देन 30। आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे ए आर जो है हमारा वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब टी आर की हम बात करते हैं, टोटल रेवेन्यू। पहले हमारा 100 था, देन इट इज 160, देन 160, देन इट इज 150। ठीक है, जो टी आर है हमारा वो 100 से कहाँ किस पे आ गया, 150 के ऊपर आ गया। और एम आर जो है हमारा वो पहले कितना था, 100, फिर 60, फिर 0 और फिर -10। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कैन एम आर बी जीरो और नेगेटिव। क्या एम आर जीरो और नेगेटिव हो सकता है? तो एम आर जीरो और नेगेटिव हो सकता है। कैसे हो सकता है, यहां पर देखो, फोर्थ नंबर ऑफ यूनिट पे हमारा एम आर कितना हो गया, 0, और फिफ्थ नंबर ऑफ यूनिट पे हमारा एम आर कितना हो गया, -10। तो यहां पर ये क्या हो गया, 0, और यहां पर ये किसके अंदर चला गया, नेगेटिव के अंदर। नाउ सी द डायग्राम, टी आर इंक्रीज हो रहा है, फिर वापस डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले टी आर क्या होता है, इंक्रीज होता है। टी आर जानते हो ना, टोटल रेवेन्यू। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये हमारा ए डायग्राम है, और नीचे वाला हमारा कौन सा डायग्राम है, बी। ए डायग्राम को बी डायग्राम के साथ में हमने रिलेट किया है, कनेक्ट किया है। नाउ सी, एम आर जो है, ये जो ब्लू लाइन है डाउनवर्ड की तरफ जो जारी है वो क्या है, एम आर है। और जो ए लाइन है नीचे की तरफ जो जारी है वो क्या है, ए आर है। ठीक है, अब यहां पर देखो, सॉरी ये गलत है, ये होगी ए आर और ये होगी एम आर, क्योंकि एम आर तो नेगेटिव जाएगी, ए आर तो नेगेटिव जाएगी नहीं, ए आर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है, ए आर, और ये हमारा क्या है, एम आर। टी आर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होते होते यहाँ पर ये सबसे ऊपर वाली जो चोटी है इसकी वो क्या कहलाएगी, मैक्सिमम पॉइंट। पढ़ा था टी सी एम सी में, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। इस मैक्सिमम पॉइंट तक तो टी आर इंक्रीज होगा, और इस मैक्सिमम पॉइंट पर आने के बाद में टी आर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से जब इसका यहाँ मैक्सिमम पॉइंट होगा तो एम आर का किस पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। ठीक है, व्हेन टी आर इज इट्स मैक्सिमम पॉइंट, एम आर विल बी 0। सारा मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। अब उसके बाद में मैक्सिमम पॉइंट पे आने के बाद में टी आर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। अब टी आर डिक्रीज होगा तो एम आर कहाँ चला गया, नेगेटिव के अंदर चला गया। आई बात समझ में? ये तो मैंने किसका रिलेशन बताया, टी आर और एम आर का। ठीक है, टी आर और एम आर के रिलेशन के अंदर टी आर इंक्रीज होता है, एम आर डिक्रीज होता है। जब टी आर अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है तो एम आर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब टी आर डिक्रीज होता है तो एम आर किस में चला जाता है, नेगेटिव के अंदर चला जाता है। अब ए आर और एम आर को हम देखते हैं, यहाँ पर ये ए आर भी नीचे जा रहा है और एम आर भी नीचे जा रहा है, यानी कि ए आर भी डिक्रीज हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है, और मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट ए आर रिमेन्स पॉजिटिव।
चाहे कितना भी यूनिट बना लो, लास्ट यूनिट पे AR हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है एंड MR गोज टू बी नेगेटिव, और MR हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है AR और MR का। डिक्रीज दोनों होंगे, दोनों की नंबर ऑफ यूनिट्स, दोनों के नंबर जो होंगे वो कम हो जाएंगे, जो रेवेन्यू होगा दोनों का वो कम हो जाएगा, लेकिन MR का इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि AR उसे हमेशा बड़ा ही रहेगा। नाउ सी द पॉइंट्स, एक्सप्लेन तो ओरली मैंने आपको कर दिए, अब यहाँ पर आप लोग इसके पॉइंट्स देख लो। अप टू पॉइंट बी तक क्या हो रहा है, TR इज इंक्रीजिंग। अभी बताया मैंने आप लोगों को, पॉइंट बी तक TR क्या हो गया, इंक्रीज हो गया एट अ डिक्रीजिंग रेट। कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग रेट मैंने आप लोगों को बताई थी, घटती हुई दरों से बढ़ना, ठीक है, घटती हुई दरों से कम 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 वाली रेट से बढ़ना क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। सेकेंड पॉइंट है, एट पॉइंट बी TR इज मैक्सिमम। अभी बोला मैंने आप लोगों को बी पॉइंट पे TR मैक्सिमम हो गया बिकॉज MR इज जीरो, क्योंकि MR हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। इसको हमने यहां तक कनेक्ट किया, MR हमारा जीरो हो गया और TR हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। बियॉन्ड पॉइंट बी TR स्टार्ट डिक्लाइनिंग। अब बी पॉइंट के बाद में TR क्या हो गया, नीचे आ गया, डिक्लाइन होने लग गया बिकॉज MR इज इक्वल्स टू नेगेटिव, क्योंकि MR हमारा यहाँ पर किस में चला गया, नेगेटिव में चला गया, ठीक है। TR डिक्रीज हुआ तो MR क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इन अ सिचुएशन ऑफ जीरो प्राइस AR टचेस एक्स एक्सिस। जीरो प्राइस की सिचुएशन पे, जब प्राइस जीरो होता है, ये जीरो प्राइस, ठीक है, जीरो प्राइस की सिचुएशन पे जो हमारा AR है वो किसको टच कर लेता है, एक्स एक्सिस को टच कर लेता है, यानी कि यहाँ इस लाइन को टच करके यहीं पर रुक जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा ये। TR ऑल्सो टचेस एक्स एक्सिस, और TR जो है वो भी हमारा एक्स एक्सिस को टच कर लेगा, किस पे, जीरो प्राइस पे। आई बात समझ में, जीरो प्राइस पे TR भी एक्स एक्सिस को टच करता है और AR भी एक्स एक्सिस को टच करता है, बट हमारा MR जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को ये रिलेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट। यहां पर क्या है, मार्केट्स के अकॉर्डिंग फॉर्म बने हुए हैं। मार्केट कौन कौन से होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को मार्केट चैप्टर नहीं पढ़ाया है, ठीक है, इसके बाद हम लोग मार्केट चैप्टर करेंगे। नाउ सी, मार्केट में है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रेवेन्यू कर्व है वो किसके हैं, एक तो मोनोपोली मार्केट के लिए बता रखा है और एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट के लिए बता रखा है। मोनोपोली मार्केट के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही कौन होता है, सेलर होता है, नंबर ऑफ सेलर तो सिंगल होता है और बायर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। जैसे कि रेलवेज, रेलवेज बेचने वाली कौन है, एक ही कंपनी है रेलवेज, इंडियन रेलवेज, और उसके अलावा उसका कोई अल्टीट्यूड, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जो उसके नंबर ऑफ बायर्स हैं वो क्या है, ज्यादा है, खरीदने वाले क्या है, रेलवे की सर्विस लेने वाले क्या है, ज्यादा है। तो इस तरह का जो मार्केट होता है वो मार्केट क्या कहलाता है, मोनोपोली मार्केट। इस मोनोपोली मार्केट के अंदर क्या होती है, जो प्रोड्यूसर होता है उसको अपनी मनमानी करता है, यानी कि जब एक अकेला बेचने वाला होगा तो चाहे वो किसी चीज की कितनी भी प्राइस क्यों ना लगाए, अगर सामने वाले को जो भी उसके सामने खरीदने के लिए आ रहा है कंज्यूमर, उसको अगर उस चीज की नीड है तो वो किसी भी अमाउंट में उसको परचेज कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर वो अमाउंट की कोई भी डिस्काउंट नहीं देता है, कोई भी बार्गेनिंग नहीं होती है, फिक्स उसकी अमाउंट होती है और उसकी जो मर्जी होती है वो उस प्रोडक्ट की वो प्राइस लगाता है, क्योंकि उसको पता है कि ऑल ओवर मार्केट के अंदर सब लोग मेरे पास ही आएंगे खरीदने के लिए और मेरा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल इसका होता है, किसका, मोनोपोली मार्केट का जो ओनर होता है उसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स फ्यू होते हैं, नंबर ऑफ बायर्स तो लार्ज होते हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो फ्यू होते हैं। जैसे सोप की हम बात करते हैं, सोप बनाने वाली कितनी कंपनीज हैं, ठीक है, 30-40 कंपनीज आप मान लो या टोटल 50 कंपनीज आप मान लो, उन सबके बीच में क्या चलता है, कॉम्पिटिशन चलता है कि किसकी प्राइस कम है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसका डिजाइन देखने में अच्छा है,
ठीक है, किसके रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होंगे वो किसके अंदर चले जाएंगे, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, कि सेम कमोडिटी बनाने के लिए, सेम चीज़ बनाने के लिए जो अलग अलग प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, वो क्या है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर आते हैं। ठीक है, प्राइस ही अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर इनको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छा इसका रिस्पॉन्स रिव्यू आ रहा है, तो मैं जो चाहूँ वो प्राइस उस पर लगा सकता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी रहता है, वो अपनी मनमर्जी का प्राइस नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पास उनके सब्स्टिट्यूट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अगर आज कोई सोप आप परचेस कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, आप उसको आगे कंटिन्यू करते हो, ठीक है, दोबारा अगर आप उसको खरीदने के लिए गए तो उस सोप की जो कीमत है वो बढ़ गई, महंगा हो गया वो, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो इतना महंगा हो गया, मैं तो जिस प्राइस में पहले लेता था उसी प्राइस में कोई दूसरा सोप ले लेता हूँ, साबुन से सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना जो चॉइस है वो वहां पर क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो ये मार्केट क्या कहलाया, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब बात करते हैं हम रेवेन्यू की। रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव और परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव और परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ बायर्स भी ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ सेलर्स भी ज्यादा होते हैं, यानी मार्केट के अंदर खरीदने वाले भी ज्यादा हैं और बेचने वाले भी ज्यादा हैं, बहुत सारी दुकानें हैं तो बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, तो उनके बीच में टाई अप चलता रहता है, कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि कौन किस प्राइस पे अपनी चीज बेचता है, कौन क्या फैसिलिटी लोगों को अवेलेबल कराता है, कैसे लोगों को ले जाता है, कैसे एडवर्टाइज करता है अपने प्रोडक्ट का, कौन सी पॉलिसीज वो यूज करता है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है। समझ में आया, परफेक्ट कॉम्पिटिशन यानी बिल्कुल तगड़ा कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर रहता है। नाउ सी द स्केड्यूल, यहां पर क्यू क्या है, क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, ये क्या है क्वांटिटी। ए आर क्या है, 5, 5, 5, 5, ठीक है, ए आर क्या है 5, जो ए आर है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है बताओ, ए आर कांस्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमारा एवरेज रेवेन्यू को ही हम क्या मानते हैं, प्राइस मानते हैं, तो प्राइस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। टी आर इज इक्वल्स टू 5, 10, 15 और 20, टोटल रेवेन्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे कांस्टेंट है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं व्हेन एआर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, जब एआर कांस्टेंट होता है तो एमआर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और टीआर हमारा धीरे 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 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो इसका स्केड्यूल हम देखते हैं, स्केड्यूल के अंदर ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 1, 2, 3, 4, 5 इसका क्या है, रेवेन्यू यानी कि प्राइस है, पैसे हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे 5 यूनिट हम खरीद रहे हैं तो 5 यूनिट पे हम कितना पैसा दे रहे हैं, 5। ये जो हमारा डी है, डी कर्व, ठीक है, जो हमारा डी कर्व है वो डी कर्व क्या शो करता है, रेवेन्यू फर्म्स का रेवेन्यू कर्व, कि फर्म जो भी प्रोडक्शन कर रही है उसका कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो फर्म्स का रेवेन्यू कर्व जो है वो क्या शो करेगा, डी कर्व शो करेगा। ठीक है, ये क्या है, पी, यहाँ पर पी किसके बराबर है, एआर, और एआर किसके बराबर है, एमआर, दिख रहा है हमको यहाँ पे पी 5, वो किसके बराबर हो गया, एमआर के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स देखो, एक्सप्लेनिंग पॉइंट्स देखो इसके। नंबर 1, पैरेलल इक्वल परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जो हमारा डी कर्व है वो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो किसके बराबर है, एक्स एक्सिस के बराबर है। कौन सी लाइन, रेवेन्यू कर्व, रेवेन्यू कर्व हमारा जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरे नंबर पे है सेल एनी क्वांटिटी एट प्रिवेलिंग लाइन, ये जो लाइन जारी है यहाँ 0 लेवल ऑफ आउटपुट से लेके 5 लेवल ऑफ आउटपुट तक जो ये लाइन जारी है, इसी लाइन के ऊपर यानी इसी प्राइस के ऊपर आप कितना भी क्वांटिटी आप कंज्यूमर को सेल कर सकते हो। थर्ड है एआर एंड एमआर कांस्टेंट, एआर और एमआर दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। फोर्थ है एआर इज इक्वल्स टू एमआर, अब दोनों कांस्टेंट है तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें कब होगी, जब हमारा मार्केट कौन सा होगा, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या फिर परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा।
समझ में आई बात? तो मार्केट्स भी अलग अलग हैं, मार्केट के टाइप्स भी अलग अलग हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट का रेवेन्यू, फर्म्स का रेवेन्यू कर्व बताओ, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, ये बनाओगे स्केड्यूल और ये डायग्राम बनाओगे। ठीक है, ध्यान रखना परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट के अंदर जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एमआर के बराबर हो जाएगा। और जो हमारा कर्व होगा वो कर्व क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक पैरेलल लाइन बनाई जाएगी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ये आपका थर्ड पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे का जो चैप्टर है वो हम फोर्थ पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम स्टे सेफ।